नमस्कार दोस्तों, लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को विस्तृत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:02 से, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:35 तक। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 11:53 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 1:52 से दोपहर 2:26 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 7 और लकी कलर है लाल और मैरून। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के राशिफल के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन आपका सुचारू रूप से चल रहा है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। और दोस्तों संतान पक्ष की तरफ से भी आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद और बेहतर रहने वाली है। दोस्तों आपको नए व्यापार में अगर आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं तो उसे तुरंत ही चालू कर दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छी सुख सुविधा मिल सकती है, जो आपके शुभ समाचार को और आपकी खुशी को 4 गुना बढ़ा देगा। नए यानियों के बारे में बता दें कि विद्यार्थी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। और दोस्तों दिन की शुरुआत थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन शाम आते आते आपका दिन काफ़ी सुखमय बीतता रहेगा। नए व्यापार करने वाले लोगों को नए यूनानी मिल रहे हैं, तो उनसे संपर्क बढ़ाएं और अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की के लिए नित्य प्रतिदिन प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। आज आप अपने बारे में अनिश्चित हैं, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। यह आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों या फिर उद्देश्यों के मूल्यांकन और संशोधन करने का सही समय रहने वाला है। दोस्तों आपको अपने सोचने के तरीके में परिवर्तन करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों कोई घाटे या फिर नुकसान आपके जीवन में उदासी के रंग भर भी सकता है, इसलिए दोस्तों आपको अपने धन का व्यय सोच समझ कर करना चाहिए। प्रेम संबंध में धोखे का मतलब जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि एक नए संबंध की शुरुआत भी हो सकता है। दोस्तों आपका हर सपना पूरा होगा, बस आपको पहल करने की आवश्यकता है। आप हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं और आज आप अपने नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने दिल की बातों को अपने सोलमेट से बांटना चाहिए और इस बात से निश्चित रहिए कि कोई भी समस्या ज्यादा दिन तक आपको परेशान नहीं कर सकती है। गलतफहमियों को दोस्तों आप अपने प्यार के मध्य में बिल्कुल भी ना आने दें। साथ ही आपको बता दें कि आप आसानी से आगे होने वाली बातों का अनुमान लगा लेते हैं और आपकी संचार क्षमता भी प्रभावशाली और नजरिया खुला हुआ है, इसलिए जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत मेहनत करिए। हमेशा गलतियां ढूंढने की फिराक में रहने वाले आक्रमण लोगों के साथ में उलझने से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आज के लव लाइफ के बारे में। तो दोस्तों आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं और आप इसके बारे में काफी गंभीर भी रहने वाले हैं। संभावना है कि ये बेहद लंबा चलने वाला है और आपका कोई खास आपको काफी प्रेम करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि दोस्तों परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आ सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज का दिन नौकरी से संबंधित कार्यों के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है और आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ में कार्य भी किए हैं और आखिर में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिल पाया है, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करने वाला है और दोस्तों आपके काफ़ी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ में फलित होने वाली हैं। और आपको बता दें कि आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्यपद लोगों को तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय अच्छा बन रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपको खर्च ज़्यादा नहीं करना है। आपको इस चीज़ को यकीन रखना चाहिए कि लोग आपके जीवन काल में यकीनन
अंदर से आपके लिए अच्छे होंगे। बाहर से तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य के प्रति कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर से वे लोग अच्छे नहीं होते हैं। अगर कहीं पर धन व्यय करना हो तो आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी आपके मन में ऐसी बात कहने वाली है, इस वजह से ऐसे रास्ते अपनाएंगे कि आप खुद उनके प्रति ऐसे आकर्षित होने वाले हैं जो दोस्तों आपको निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए भी ऊर्जावान प्रभावित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यदि कोई बुरी आदत लगी हुई है तो आपको वो तुरंत छोड़ देनी चाहिए। ऐसे लोगों का दोस्तों आपको साथ भी नहीं देना चाहिए जो आपको बुरी संगत में डाल देते हैं, अन्यथा दोस्तों इनकी संगति का बुरा प्रभाव आप पर पड़ सकता है। दोस्तों आप इस बात को पा सकते हैं कि इस बात का एहसास भी करने वाले हैं कि आपके साथ में कोई भी नहीं है, बिल्कुल आप अकेला मझधार में फंस चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोग आपको मझधार में छोड़ करके भी चले जाते हैं और आप ये देखेंगे कि सहायता के नाम पर लोग आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको आज मेहनत के अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं और अच्छे अच्छे अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। दोस्तों दिनचर्या में आपको कुछ नया पल लाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों और युवाओं के प्रति भी अथवा भागीदार संबंधी कुछ योजनाएं बन रही हैं व उचित तैयारी रहने वाली है। घर के किसी सदस्य की विवाह संबंधी तैयारी में व्यस्त रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस समय दिल और दिमाग में उचित संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अपनी प्रवेश और काबू पर आपको काफी नियंत्रण रखना पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभार आपको ऐसा लग सकता है कि खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परंतु दोस्तों ये आपका भ्रम ही होगा। भविष्य में हो गई चिंताओं में आप अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको वर्तमान में जीने की आवश्यकता है। दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आज आपको जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि आपके घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनको आप सीढ़ियों से ना उतरने दें, तो दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का राशिफल आपको पसंद आया होगा और आप सावधानी भी बरतेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।